पाने की हर दिक्कत का सीधा समाधान, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का पूरा का पूरा इंतजाम। दो तुलसी के पत्ते यहां रख दीजिए, उसके बाद तुम्हें एक होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि दो लोगों को एक करने का एक अद्भुत साधन है, दो तुलसी के पत्ते, एक उनके नाम का, एक तुम्हारे नाम का। इस प्रकार रख करके अगर आप ये बोलते हो तो निश्चित तौर पर आपको एक होना ही है। यहां पर थोड़ा हठ योग है, यहां पर थोड़ा जिद है, ये चाहिए ही। और ऐसी मान्यता है कि ईश्वरीय शक्तियां, जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो दैवीय शक्तियां हैं, वो आपके लिए काम करने लगती हैं और आपको चिताती हैं ऐसा करने से। तुलसी एक ऐसा पौधा है, एक्चुअली तो पौधा कहना अपराध है, तुलसी एक ऐसा देवता है, एक ऐसी देवी है जिसको जीवित देवता माना जाता है। भगवान शालिग्राम ही नहीं, भगवान बालकृष्ण की, जिनको प्रेम का सबसे बड़ा आइकन माना जाता है, उनकी पूजा बिना तुलसी के अधूरी है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, सौभाग्यवती स्त्रियां जिनका विवाह हो चुका है वो तुलसी को समर्पित कर सिंदूर अपने को लगाकर सौभाग्यवती समझती है, अपने सुहाग की रक्षा और सुरक्षा में और बल महसूस करती है। वर्ष भर स्त्रियां और कोई पूजा करे ना करे, लेकिन तुलसी आंगन में रखी हुई उसका जल जरूर निकलता है, जरूर जरूर उसमें जल पड़ता है। तुलसी पूजा हमारे यहां वैदिक परंपरा सनातनी पद्धति का एक अनूठा संगम है। तुलसी केवल हिंदुत्व के लिए नहीं, तुलसी एक ऐसा अद्भुत वृक्ष और पौधा है जो पूरे विश्व को एक अलग ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। खैर, सीधा उपाय की बात करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि आपको बहुत कुछ नहीं करना, सिर्फ तुलसी के दो पत्ते लेने हैं। तुलसी के दो पत्तों को बहुत सावधानी से रखिएगा और उसके ऊपर पेन चलाते समय बहुत ध्यान रखिएगा, पत्ता बहुत नाजुक होता है, टूटने ना पाए, और उसके ऊपर बहुत हल्के हाथ से आपको एक पर अपना, एक पर उनका नाम लिख देना है। यानी थोड़े बड़े बड़े पत्ते लेने हैं, खुरदरे की तरफ मत लिखना, चिकने वाले की तरफ लिखने की कोशिश करना। अगर हल्के हाथ से लिखोगे तो लिखा जा सकता है, मैंने किया है ऐसा। अब करना यह है कि अगर आप पुरुष हैं तो भी, स्त्री हैं तो भी, राइट और लेफ्ट में पकड़ लीजिए, अपना नाम राइट में और अपने पार्टनर का नाम लेफ्ट में, और सीधा ऐसे जहां आप लेटते हैं तकिए के नीचे एक लंबा कागज बिछा करके एक तरफ वो पत्ता और एक तरफ वो पत्ता रख दीजिए और ऊपर से तकिया रख करके सो जाइए। रात भर के बाद इन दोनों पत्तों को पुड़िया बना करके अपने हृदय के पास पूरा दिन रखिए और सायंकालीन सूर्यास्त के पहले दोनों के दोनों को कच्चे दूध के साथ सेवन कर लीजिए प्रसाद के रूप में। यह वैदिक बड़ी परंपरा का विधान आपको बता रहा हूं। बड़े बड़े जो अच्छे वैदिक लोग हैं वो भोग पता कैसे लगाते हैं, वो अपने खाने का भोग बाहर नहीं रखते, वो फटाफट फटाफट खुद ही पहले खा लेते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, भगवान अंदर है ऐसा कहके। आपको दो काम इसमें खास करने हैं। जब आप पत्ते रख रहे होंगे तब दोनों पर हाथ रख करके सात सात बार दोनों का नाम लेकर के बोलना है, सदैवम एकम भविष्यति भवन्ति, है ना। और जब ये पत्तों को आप एक पुड़िया बना करके अपने पास रख रहे हो तो क्या बोलना है, सदैवम हृदयस्थ मम भावयस्य, ऐसा ही भाव है मेरा, ऐसा बोलिएगा। ये दो चीजें बोलना बहुत आवश्यक है। फिर जब आप पान कर रहे हो तब सिर्फ और सिर्फ ओम ह्लीं कृष्णायै नमः ऐसा कहके पान कर लीजिए, प्रसाद हो जाएगा। बस इतना सा कर लीजिए, सत्य मानिए, तुम्हारे जीवन में बहुत प्रकाश होगा,
पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, पूरे मन के साथ करिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। मैं हूँ हर हाल में आपके साथ हूँ भाई। सिर्फ रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, निगेटिव मत सोचना, प्रीवियस लाइफ मत बताना। रिश्तों में मतलब प्यार वाले रिश्ते में, घर परिवार में तो देते ही ना, ऐसे उधर खूब कर सकते हो। तो खूब 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 अच्छे से रहने की कोशिश करो। फिर मिलेंगे कल। ओम नमः शिवाय।